हेलो भाई चिटू आवाज नहीं आ रही नहीं 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 नहीं। पासवर्ड यार आ रही है ओए होए 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 आवाज आ गई है मेरी यार असल में सीन ऐसा है ना मैंने कोई स्ट्रीम किया है गिन के 20 जनवरी को अबू का एक्सीडेंट हुआ था और मैंने स्ट्रीम की है तकरीबन हो गए ऑलमोस्ट कितने दिन हो गए ने आ, दो महीने और आज के बाद दस दिन आठ दस दिन सत्तर दिन के बाद स्ट्रीम की दो महीने के बाद वो भी अभी ना मैं खोफ की स्ट्रीम पे बैठा हुआ मुझे उधर दो तीन कमेंट्स आए कि यार आप स्ट्रीम नहीं कर रहे मैं बड़े दिन से सोच रहा था यार मैंने कहा मैं स्ट्रीम करूँ सब कुछ बट बात वही है ना कि यार बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था मुझे नहीं नहीं, नहीं स्ट्रीम लंबी नहीं करनी मैं वैसे ही अभी ना अभी चेक स्ट्रीम करने आया हूँ जो प्रॉपर स्ट्रीम करूँगा ना जो अभी तो सारी बात आपके सामने सेटिंग वेटिंग सारी आउट हुई भी है कुछ भी जगह पे सेट नहीं है कल इंशाल्लाह प्रॉपर स्ट्रीम होगी ना जिसमें मैं आपको सारी डिटेल्स वगैरह बताऊंगा जो जो सीन्स हुए हैं उसके बाद मेरी नानों की भी डेथ होगी थी साथ में तो वो सारी बातें हम लोग करेंगे कल अभी वैसे ही मैंने कहा चलो यार बड़े टाइम से आवाम से गप शप नहीं हुई हाँ <laughs> जवा आज कल फुल जवा ही लग रहा है लगा हुआ है भाई तो अभी ये देखो तो अभी मैंने फ़ोन कनेक्ट किया साथ में ये भी अभी ना आवाज़ मेरी नहीं आ रही थी ये फ़ोन मुझे कनेक्ट करना पड़ा तब तो मेरी आवाज़ आई है मेरा कवर भी उतारा हुआ है मैंने अभी मैं आप लोग अपने रूम की हालत दिखाऊँ ना अभी मैंने यकीन करो सिर्फ ये देखो आपको दिखाता हूँ मैं सफ़र करो ये देखो।, ये देखो ये देखो ये कमरा है मेरा ये देखो ये कलचडी के नीचे पड़ी हुई है देखो पीछे देखो ये देखो ये, ये चेयर ही पड़ी हुई है किस तरह सारा कमरा गर्म भरम हुआ ये देखो ये तक की है ये देखो एक ही एक ही जगह मेरे पी सी पर ये सारा वो देखो ये देखो सारा गंद वंद अभी सिर्फ मैंने ना सिर्फ अभी के स्ट्रीम के लिए ना मैंने ये प्रॉपर मतलब वो किया है फौरी तौर पे मैंने कहा चलो यार एक आज की स्ट्रीम मुझे थोड़ी सी <laughs> कल की स्ट्रीम तुम का तो हम कब कल देख लेंगे बस बीच में यार अभी भी मुझे याद है इधर ही बैठ के इसी बेड पे बैठ के मैं गेम खेल रहा था मैं जब गेम बंद करके गया तो अगले दिन मैंने कहा कि अभी उठेंगे सुबह जवाब आएगा जवाद जवाब खेलेगा फिर हम लोग खेलेंगे तो फिर उस टाइम पे कॉल आई कि यार फादर का आपका बान नजर आपको याद कर रहे हैं <laughs> यार बाबन नजर साहब भी क्या बताओ मेरी अब मेरे कजन भी पढ़ते हैं ना उनको भी पढ़ा रहे हैं बाबन नजर तो मैं ना बा नजर की स्टोरियाँ सुनाता रहता हूँ उनको मैं कह रहा है बड़े अच्छे टीचर हैं हमारे साथ बड़ी गपशप बनती थी बड़ा बड़ा बड़े शुगली इंसान शुगली हमारे साथ शुगली थे बाकी तो वो पैर डंडा दे रखते थे बाकी, 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 बाकी सबको ना पता ही होगा तो बस यार अच्छा टाइम गुजर रहा था गेम से हम खेल रहे थे सारा कुछ अच्छा था लेकिन बस वो वक्त चेंज हो जाने टाइम नहीं लगता बाकी आप सब लोग सुनाए कैसे हैं यार रैंक शेंक कैसा जा रहा है मैं देखूँ जरा रैंक शेंक क्या चल रहा है अभी मैंने पीछे वो बंद किया हुआ है ना अलगाटो अपनी बंद किया अलगाटो में ऑन करूँगा ना तो ये बंद हो जाएगा मेरा मेरे ख्याल से इसकी कोई नई सेटिंग वुटिंग आई है वो मुझे भी पता नहीं है मैं उनसे पूछूंगा अभी अच्छा जी रैंकिंग क्या जा रही है ये कड़ा है मीम्स फ्लेयर अच्छा ये रईस ये कौन है रही ओ जवाद है है नाइस वाह 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 अरे क्या बात है? इट्स ओके मेरी भी मदर जवा ईयर का था तो फोड़ हो फोर जब मैं बारह ईयर्स का हूँ अरे यार ये भाई वही बात है ना ये दुख खुशी को होता है जिस जिसपे गुजरती है खैर अल्लाह की मर्जी भाई क्या कह सकते अच्छा ये ये आईडी पक्का सलमान खेल रहा होगा ये नो बैग वाली ओ भाई कितना टाइम गुजर गया गेम नहीं खेली ये कौन है भी पाकिस्तानी है अरे नाइस पाकिस्तान काफी बंदे बैठे हैं यहाँ जी हम्म वाह भाई रैंकिंग तो एकदम सोलो में ओहो नाइस खौफ सोलो में थर्ड नंबर पे बैठा हुआ सुना है इसका खौफ का और एकिंग ओपी का बड़ा फटा फटा चाह रहा था पिछले दिनों में है मुझे भी सुनने में आई थी ये बातें ना कि इनके बड़े फटे छटे हो गए मैंने कहा यार देखो हाँ मैंने देखा यार अगेन स्टार्टिंग स्ट्रीम्स इनशाला आई लॉस माई डैड फोर इयर्स बैक डेट आई कैन फील योर पेन यार देखो जो जब टाइम होता है ना जब जब वो कुछ इंसिडेंट फ्रेश फ्रेश होता है ना उस टाइम वो बहुत ज्यादा फील होता है वक्त के साथ साथ मरहम जो जख्म होता है वो कहते हैं ना मेरी बॉडी पर कोई भी किसी भी किसी के भी जिसम पे ना किसी भी जगह पे कोई अगर जख्म होगा ना वक्त के साथ साथ वो ठीक हो जाएगा लेकिन वो जो निशान होता है ना वो जो ज़ख्म का निशान निशान पूरी जिंदगी नहीं जा, जाता तो बस ये टाइम के साथ साथ इंशाल्लाह सेट हो जाएगा अच्छा आलिया भी बैठी है असद भी बैठा है अच्छा इनके बड़े 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 चाह रहे हैं मैं यकीन करो मैंने कल गेम खेली थी मैं आपको अपना कैरियर जल्द दिखा दूँ देखो ये मैंने कल गेमें खेली थी और जो नए मोड नहीं आए थे ओए मैंने ये, ये मोड़ छो भी नहीं हो रहे ये कब की गेम है मेरी सत्ताईस तारीख को सताईस तारीख को मैंने एक गेम खेली है ठीक है सत्ताईस तारीख को सत्ताईस तारीख से पहले मैंने चौबीस तारीख को एक गेम खेली है ठीक है चौबीस तारीख से पहले मैंने बारह तारीख को एक गेम खेली है मतलब इन चौदह दिनों में मैंने सिर्फ तीन गेमें खेली ये भी लिविक ये देखो जो मैंने अपने दोस्त के साथ एक लिविक खेला था ये भी मैंने दोस्त के साथ खेला था ठीक है ये दो गेमें उसके बाद उए, 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 ये देखो, उसके बाद मैंने पिछले महीने की चौबीस तारीख को गेम खेली है मतलब इस महीने की चौबीस तारीख से लेकर पिछले महीने की चौबीस तारीख तक एक महीने में मैंने एक टीडीएम खेला है और एक ये एक ये खेला है ये भी पिछले ये भी किसने खेला है मेरी आईडी पे कसम से मैंने भी नहीं खेला है मुझे पता ही नहीं जूलियट कौन है वल्ला आई सुर मुझे पता ही नहीं है कौन है ये देखो ये जनवरी फरवरी चौबीस फरवरी को मेरी आईडी से से लगा रहा है ये मैंने आईडी किसी को दी थी अपनी ये देखो ये भी मैंने कसम से मैंने ये गेम ही नहीं खेली बस ये भी मुझे नहीं पता है किसने के खेली ये गेमें हेटर्स भी उठा उठा कर ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं अरे यार छोड़ो फटा सॉल्व करो मेरी साइड से यार किसके साथ फटा है मैंने सबसे पहले माफ़ी मांग रही थी कि भाई जिसके साथ मेरा कोई सीन है मेरा कोई सीन नहीं है किसी के साथ भी ये सारी गेम गेमें मैंने इनमें से कोई एक गेम भी मैंने नहीं खेली यकीन करो ये वाली गेम मैंने खेली है ये वाली ये जो रीना ट्रेनिंग खेला है ना ये ये वाला मुझे याद है ये मैंने खेला है इस मई इस की तेरह उसको मई की तेरह को पूरी फरवरी में मैंने एक गेम भी नहीं खेली और जनवरी को जनवरी ट्वेंटी को ना मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ था चलो अभी आ गए आप लोग तो ए, स्टोरी आप लोगों को सुना देता हूँ क्या सीन हुआ तो सीन इस तरह का था बॉयज बीस तारीख सतारह तारीख को सीजन आया था ना मैं वो रेड बुल शुल सब कुछ लेके बैठा हुआ था सारा कुछ मैंने कहा चलो यार नया सीजन आ रहा है तो वो करते हैं स्नैक्स वगैरह अपने पास रखते हैं सारा कुछ रखा हुआ था मैंने सारी चीजें ला रखी थी रात को आपको आप, आप लोग जो मुझे उस टाइम पे स्ट्रीम पे देखते हो आप लोगों को पता होगा यार कि मैं उस टाइम पे ना स्ट्रीम पे खा रहा था, था, था लेज और रेड बुल ना पी रहा होता था, था। बात इस तरह की है बात है, है बीस जनवरी की अब बीस जनवरी को मैं ना रात को सोया हूँ बीस जनवरी की रात जब मैंने स्ट्रीम बंद किया ना साढ़े चार बजे चार साढ़े चार बजे अबू मेरे उस टाइम पे वो कह रहे थे तजुद पढ़ रहे थे ना उस टाइम पे मैं नीचे गया हूँ मैंने थोड़ी मूवी शूवी देखी है छः बजे ना अबू के साथ बैठ के मैंने नाश्ता किया है अबू ने जाना था किसी काम से वो चले गए अब हमें ना उन्होंने बताया कि मैं जॉब पे जा रहा हूँ लेकिन उनको इस्लामाबाद में कोई काम था तो चले गए हमें बताया नहीं है उन्होंने अब मैं सो गया तकरीबन छः बजे मैं सो गया अच्छा जब मैं छः बजे सो गया उठा मैं तकरीबन चार बजे में उठा शाम को ना जैसे ही मतलब उठता हूँ तीन बजे में उठा साढ़े तीन तीन बजे में उठा तीन बजे मैंने उठना था खाना छाना खाना था खाना छाना खाने, खाने के बाद फिर मैंने ना अपनी गेम खेली थी जवाब के बाद ना जवाब को मैंने मैसेज किया हुआ मैंने कहा यार अभी ना मैं खाना छाना खा लूँ आवाज़ तेज़ करो अपनी एक मिनट रुको हेलो अब ठीक है आवाज़ अब आवाज़ ठीक है बॉयज हेलो बाइक टेस्टिंग बाइक टेस्टिंग सही है अच्छा तो मैं तकरीबन तीन बजे उठा यार एक मिनट ना मैं इसकी वो कर दूँ इसको मैं शेयर कर दूँ अपनी कम्युनिटी पे एक मिनट रुको एक सेकंड बॉयज मैं जरा इसको शेयर कर दूं कम्युनिटी पे ना एक सेकंड ना मैं इसको कम्युनिटी टैब पे शेयर कर दूं सब लोग आप लोग स्टोरी जो सुन रहे हैं ना एक सेकंड इधर ही रहेगा सारे मैं जरा कम्युनिटी टैब पे इसको शेयर कर दूं कम्युनिटी टैब और यार इधर से करनी पड़ेगी एक मिनट रुको एक मिनट रुको यार, यार। सर में ना मैंने वो किया था क्या कहते हैं एक मिनट ये इस तरह नहीं होना चाहिए एक मिनट रुको ज़रा चलो शेर मैंने कर दिया एक सेकंड बस यार मैं अच्छा अच्छा मैं फिर जनाब उठा तकरीबन साढ़े तीन बजे उठा ना मैं खाना खाने के लिए बैठा तो मेरा कजन है ना वो वो वक्त आया मुझे कह रहा है बासी जल्दी बाहिर बाहर बाहर मैंने कहा अल्लाह खैर मैंने कोई उल्ट गलत काम कर दिया कुछ मेरे से कुछ गलती हो गई है बैर की बुला रहा है कह रहा है जल्दी आ छोड़ खाना बाहरा बात सुन यूँ मुझे कह रहा मैं परेशान हो गया मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ अम्मी भी मेरी पूछ क्या हुआ क्या हुआ बताओ बताओ मैंने कहा रुकें बाद ही ना तो कह रहा है बासित बाहरा कह रहा है वो तेरा दोस्त था ये वो ना मतलब मुझे बात करता करता वो आगे तक ले गया मुझे कहते हैं हॉस्पिटल से कॉल आई है तो अंकल का एक्सीडेंट हो मतलब मेरे अबू का एक्सीडेंट हुआ जल्दी आओ मैंने कहा मैं एकदम परेशान मैंने कहा क्या हुआ तो बस फिर सारे गाड़ियाँ हम लोगों ने निक, निकाली दो तीन गाड़ियाँ रेडी होगी उधर हमारी दो तीन गाड़ियाँ हम लोगों ने निकाली उधर दो ही गाड़ियों मैं उस मैं मैं टाइम असल में सर्दी थी ना बीस बीस जनवरी का दिन था तो सर्दियाँ थी उस टाइम पर ना मुझे भी, भी याद है मैंने स्वेटर पहनी हुई ऊपर तो मैंने मम्मी को बोला मैंने कहा स्वेटर मुझे चेंज करके कर दें कज़न कह रहा चेंज का टाइम नहीं जल्दी बैठ मैं फटाफट गाड़ी में बैठ गया अब चले गए हम लोग रास्ते में मैंने जवाद को कॉल कर दी मैंने कहा यार अबू की एक्सीडेंट हो गया तो मैं नहीं खेल सकता अभी इस तरह इंसीडेंट हो गया कह रहे चल ठीक है ये वो अब मुझे नहीं पता था हालत इतनी सीरियस है अब मैं हॉस्पिटल गया जब लिटरली ना आ, पड़े हुए थे ना उसमें इमरजेंसी वार्ड में पड़े हुए थे ना तो उनके पूरे पूरे उस पर कपड़ों पे ना खून था फुल उनकी बॉडी ये रेड थी ना पूरे उनके कपड़ों पे खून था और वो सांस यू ऐसे आस, ऐसे ना उनको वो आ रहा था सांस आ रहा था ऑक्सीजन का पाइप लगा हुआ था उस टाइम पे ना तो मेरा कज़न साथ बैठा रो रहा था ना जोर जोर से रो रहा अब जब मैंने कज़न को देखा मैंने रो रहा है मैं समझा मैंने कहा डेथ हो गई है खुदा की कसम जब मैं हॉस्पिटल में एंटर हुआ ना मैंने देखा ना कज़न बहुत ज़्यादा रो, रो रहा ये, ये वो मैंने कहा डेथ हो गई है मैं उधर ही गिर गया ना मैं एकदम नीचे बैठ गया मैंने मेरे में हिम्मत ही नहीं पूछने की कि मतलब क्या लेकिन फिर मैंने देखा कि वो मतलब वो बड़े ज़ोर जोर से यूँ दिल यू यू यूँ हो रहा है ना ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा हुआ था तो डॉक्टर यूँ पम्पिंग गा रहे थे ना वो उनका दिल बंद हो गया था सी पी आर गा रहे थे उनको दिल यू दिल प्रेस कर रहे थे उनका तो फिर वो कज़न कहता है प्लीज़ इनको बचा लें ये वो ना जैसे इमोशन्स में बातें निकल जाती है बंदे के मुँह से ना उस वो कह रहा है इनको बचा लें रो रहे सारे फिर थोड़ा सी थोड़ी सी एक वो ही उम्मीद हुई कि यार मतलब ठीक है अभी ज़िंदा हैं लेकिन उनकी कंडीशन कितनी क्रिटिकल है ये मुझे उस उस टाइम पे आइडिया नहीं हुआ उस बात का तो अच्छा उसके बाद ए, हम लोगों ने उनको ऊपर शिफ्ट किया आईसीयू में शिफ्ट किया वेंटिलेटर पे शिफ्ट हो गए वेंटिलेटर पे शिफ्ट हो गए सांस की नाली उनको वो नाली लग गई और सारी ड्रिप्स वगैरह लग गई मेरे पास पिक्चर होगी उनकी यार मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं मैं आप लोगों को पिक्चर दिखाता अभी ना खैर मैं कल भी दोबारा भी स्ट्रीम करूँगा तो मैं दोबारा भी स्टोरी थोड़ी शॉर्ट करके सुना दूँगा मैं आप लोगों को पिक्चर भी दिखा दूँगा हॉस्पिटल में जो उनकी पिक्चर्स थी उनके जो जबड़ों पे खून लगा हुआ था और वेंटिलेटर में भी बाद में भी ना हमने पिक्चर वीडियो वगैरह बनाई हुई थी वालेकुम सलाम स्पाइडर भाई वेलकम अच्छा अब डॉक्टर्स ने ना फिर हमें अलीहदा से बुलाया मुझे भी कहते हैं कि आप भी बात सुने आप इनके बेटे मैंने कहा जी मैं बड़ा बेटा हूँ आप भी हैं मेरे तायाबु को भी बुलाया समय रूम में लेकर गया ना तो कहता है कि इनके सर्वाइवल के चांसेस नहीं हैं मतलब हमने कहा कि कोई चांस होंगे सर्वाइवल के मतलब लाइक कुछ उन्होंने कहा इसके इनके सर्वाइवल के चांसेस ना होने के बराबर हैं क्योंकि इनके दिमाग पे चोट लगी है और दिमाग की शर्यान जो है वो फट गई है और दिमाग की जो है इंटरनल ब्लीडिंग है क्लॉटिंग भी नहीं है उसका अगर क्लॉटिंग हो तो फिर भी रेयर चांस होते हैं बचने के लेकिन वो कह रहे थे इंटरनल ब्लीडिंग है तो बचने के चांसेस नहीं हैं वालेकाम आर जे रोज वाइटी तो उन्होंने बोला कि बचने के चांसेस नहीं है ना हमें फ़र्स्ट डे उन्होंने बता दिया था आई स्टिल रिमेंबर जब मैं फ़र्स्ट डे हॉस्पिटल में था उसके तीन दिन के बाद जो फवाद चौधरी है हमारा जो भी वज़ी अतलाद है वो भी आया था ना पेम्स हॉस्पिटल में खैर उसी बात पे स्टिक करते हैं कि डॉक्टर्स ने हमें पहले दिन ये बता दिया था कि ना मतलब सर्वाइवल के चांसेस नहीं हैं इनके इनके दिमाग की शरियान फट गई है और इनकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है ब्लीडिंग रुक नहीं रही दिमाग के दिमाग भी इनका यहाँ से मतलब फटा था दिमाग के बाहर भी ब्लीडिंग दिमाग के अंदर भी ब्लीडिंग थी तो खैर फिर बस हम लोगों ने कहा कि यार शायद कुछ मुआवजा वगैरह हो जाए दुआएं है हम लोगों ने की वो ट्रीटमेंट जारी रहा हर दो घंटे बाद टेस्ट होता था अबू का हर ढाई घंटे बाद ना टेस्ट खून का टेस्ट कभी कौन सा टेस्ट कभी कौन सी मेडिसिन जाके के शिफा हॉस्पिटल से लानी पड़ रही है कभी कौन सा इंजेक्शन जाके फलाने हॉस्पिटल से लाना पड़ रहा है सख्त सर्दियों ऊपर से बारिशें भी लगी हुई तो बारिश में कभी बाइक पे जा रहे हैं कभी गाड़ी में जा रहे तो रात को तो हॉस्पिटल में मैं रुकता था मुझे अभी भी याद है और आपको पता है कि जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं उनकी हालत क्या होती है ना खिड़कियाँ और ना कुछ कॉरिडोर में सोना पड़ता था एक कंबल ऊपर लेके ज़मीन पर सो रहे हैं यकीन करो मैं ज़मीन पर भी सोया पूरा पूरा हफ़्ता पूरा पूरा हफ़्ता मैं ज़मीन पे भी सोया इसी एक चादर बिछा के और ऊपर एक चादर करके या कंबल करके मैं ज़मीन पे भी सोया, सोया हूँ पूरा पूरा हफ़्ता और सख्त सर्दी में आपको पता है कि अपने कमरे में मैं इतना हीटर का हिला हुआ था ना आपको पता है कि जब भी मैं बैठता था अपने रूम में स्ट्रीम करने में हीटर लगा के बैठता था लेकिन वहाँ पर बस एक स्वेटर पहनी हुई ऊपर और एक चादर की हुई पूरी पूरी रात सर्दी में गुजारनी पड़ती थी ऐसा लगता था कि बाहर बंदा ओपन में लेटा हुआ है खैर सुबह आठ बजे नौ बजे मैं घर जाता था नाश्ता वाश्ता करके नाश्ता क्या हलक से उतरता ही नहीं था एक दो निवाले खा के सो गया फिर रात को छः सात बजे फिर चला गया तकरीबन पंद्रह सोलह घंटे मैं हॉस्पिटल में रहता था आठ नौ घंटे जब मैं घर आके सोता था बस ये थी अच्छा फिर अबू के टेस्ट वगैरह हुए दो दिन उन्होंने बोला कि कंडीशन अभी वही है हमने कहा कि शायद ना शायद इनकी कंडीशन पहले से बेहतर हो जाए अच्छा अब मैं आपको एक और बात बताता चलूँ बीस में ना कि नाइनटीन में आज से तकरीबन पच्चीस थर्टी साल पहले जब मैं पैदा हुआ था उससे भी नौ साल पहले अबू का सेम एक्सीडेंट हुआ था अबू को साइकिल मिली थी उस टाइम पर ना अबू जिधर जॉब करते हैं अभी तो थे जॉब करते थे ना जिधर वहाँ से अबू की साइकिल निकली थी कोई लकी ड्रा हुआ था ना उस टाइम पे उन्नीस में तो वो साइकिल पे जा रहे थे कि जो ट्रैक्टर वाला था उन्होंने हिट ट्रैक्टर वाले ने मारा था तो सेम अबू को चोट आई थी और 22 दिन अबू वेंटिलेटर पे रहे थे 1990 में 22 दिन अबू बेहोश रहे थे और 22 दिन के बाद वो होश में आए फिर उन्होंने 35 अपनी ज़िंदगी के कितने 30 पैंतीस साल जितने भी बनते गुजारे शादी हुई उनकी मैं ऑब्वियसली पैदा हुआ और बाकी बहन भाई भी तो उस टाइम देखो जिंदगी लिखी हुई थी तो थर्टी थ्री थर्टी, थर्टी फाइव ईयर जो गुजारे उन्होंने ना सेम उनको इसी तरह चोट लगी थी बाईस दिन वो वेंटिलेटर पर रहे थे अच्छा दो दिन गुजरने के बाद वही टेस्ट वगैरह हो रहे ना तो डॉक्टर ने फिर मुझे अपने कमरे में बुलाया मुझे भी कजन को भी कहता है इनके पहले वन परसेंट चांसेस थे बचने के सौ में से इनकी ब्लीडिंग अगर रुक जाए कोई मुआवजा हो जाए डॉक्टर्स ने बोला इनकी दोबारा से ब्लीडिंग हुई है अब जो है इनके जो दोनों टांगे और बाजू वो तो अबू के मतलब टूट गए थे एक्सीडेंट में एक्सीडेंट की वीडियो भी हमारे पास थी सी सी हमने निकलवाया था तो अबू की टांगे और ये वाला एक बाजू जब अबू की मैयत आई थी ना अबू को मतलब घर लेकर आए थे तो अबू का बाजू मेरा हमारा तो स्टेड होता है ना अबू का यूँ टेढ़ा था मतलब यूँ बाज़ू यूँ था इस मतलब ये पूरी हड्डी टूटी हुई थी बाजू की तो उन्होंने बोला कि दिमाग पूरे ब्रेन में ना खून फैल चुका है तो इनके सर्वाइवल के चांसेस अब नहीं है मतलब उन्होंने पहले में मना कर दिया बोल दिया था कि नहीं ये चांसेस ये जितने भी दिन लिखे हुए जिंदगी के तो बस ये गुजारेंगे लेकिन बस फिर वही दिल में एक उम्मीद होती है कि यार शायद बच जाएँ शायद बच जाएँ शायद बच जाए फिर तकरीबन चौदह पंद्रह दिन उधर रहे हम लोग चौदह पंद्रह दस दिन रहे हैं आठ दिन सॉरी पिम्स में फिर अबू की जो है ना सी एम एस में अबू का सारा इलाज फ्री है आपको पता है जो पिंडी में रहते होंगे सी एम एच हॉस्पिटल एम एच हॉस्पिटल जो है कितने आउट क्लास हॉस्पिटल्स हैं जो आप लोगों में से सी एम एच में रहता है उसको सी एम एच जो सॉरी पिंडी में रहता है उनको पता होगा फिर अबू को हम लोग सी uh, एम एच लेके गए उस टाइम पर मैंने वीडियो भी डाली थी ना मेरे ख्याल से यूट्यूब पर मैंने वीडियो भी डाली थी कि प्रे फॉर माई फादर मैंने वो एम्बुलेंस की पिक्चर भी अपलोड की थी इफ आई रिमेंबर ठीक है तो उस टाइम पर हम अबू को सी एम एस ले गए थे पेम्स में हॉस्पिटल में ना डॉक्टर्स आते थे कुछ भी इतना गंदा सिस्टम इतना गंदा सिस्टम यकीन करें हमसे जो मुंह पे चढ़ाने वाला मास्क होता है ना मास्क वो भी हमसे कहते थे कि जाके फार्मेसी से लेकर आओ इतने हरामी आदमी थे ये पिम्स में।, में मेरे मुंह से वैसे ही रंगे लफाज निकल रहे हैं तो इतना बुरा स्टाफ था कुछ एक दो गिने चुने डॉक्टर्स थे जो अच्छे थे वहाँ पर अच्छा अबू को फिर सी एम एच लेके गए सी एम एच में चलो अबू की केयर अच्छी थी हम लोग मुतमिन थे कि यार मतलब शायद कुछ हो जाए फिर एक दिन डॉक्टर्स की कॉल आई सुबह तकरीबन आठ बजे मुझे कॉल आई कि पेशेंट की तबीयत पे तो ख़राब है जल्दी से हॉस्पिटल आए हम लोग हॉस्पिटल गए उन्होंने बोला कि इनका दिल तीन दफ़ा बंद हो चुका है आज हमने तीसरी दफ़ा दिल जो है ना वो सी पी आर वो जब किसी का दिल बंद आप देखते हैं ना वो दिल पे यूँ प्रेस यू जोर तो से यूँ प्रेस करते हैं यूँ प्रेस करते हैं उस तरह वो कहते हैं हमने थर्ड टाइम इनका सी पी आर किया है मतलब इनकी जो ब्रेन में है ना खून वो फैल रहा है मतलब उन्होंने मैं ना डेथ से एक दिन पहले बता दिया था कि ये अब सिर्फ वेंटिलेटर पे हैं और ये भी ज़बरदस्ती अब ने इनका दिल चलाया हुआ इनको ज़बरदस्ती वो सी करके तो मतलब अब अगर इनका दिल रुक गया तो हम सी नहीं करेंगे दोबारा हमने साइन कर दिए तो जब घर जा रहे थे ना तो मेरी अम्मी ने मुझे बता दिया था कि मरे तेरे अबू की तबीयत नहीं है बचने वाली ना वो अल्लाह की जब से इशारा होता है पहले पता चल गया था ना पहले बता दिया था उन्होंने कि किसी तबीयत ठीक नहीं है उस टाइम अबू सांस भी ना उस टाइम पे यहाँ से उनको सांस की नाली गले से लगी थी यहाँ गले का ऑपरेशन हुआ था यहाँ से सांस की नाली लगाई हुई थी उन्होंने तो वो सांस भी ना जैसे ही बना से हो रहा था यूँ से यूँ मतलब पूरे झटके लग रहे थे उनको इस तरह वो सांस ले रहे थे अगले दिन फिर हमें कॉल आ गई साढ़े सात बजे के पेशेंट की तबीयत खराब है जल्दी से हॉस्पिटल आप लोग आएँ हम लोग रास्ते में जा रहे तो मेरे ताया अबू पहले किसी काम से गए हुए थे तो हमने उनको कॉल कर दी कि फटाफट हॉस्पिटल पहुँचे वो कह रहे हॉस्पिटल के आस पास मैं पहुँच रहा हूँ हॉस्पिटल पहुँचे फिर से हम भी निकल गए हम लोग घर से पाँच मिनट दूर गए होंगे तायबू की कॉल आओगी ना मेरे दूसरे तायबू ने उठाई आप यकीन करें जब उन्होंने यूँ देखा ना फ़ोन पे ताया तायबू की कॉल है मैंने भी देखा तायबू की कॉल है मैं समझ गया मेरे का डेथ होगी यकीन करें मैं झूठ नहीं बोल रहा उन्होंने कॉल उठाई है लगाया साथ ही मेरे बड़े तायबू रोने शुरू रोने शुरू हो गए मेरे कज़न ने पूछा डेथ हो गया है हाँ डेथ हो गया तो मैं गाड़ी में था उस टाइम पर अब कैफियत ये कि सफ़र भी वो कहते हैं ना कि यहाँ से हॉस्पिटल तक का सफ़र है और पहले ही हमें ख़बर मिल गई थी कि यार मतलब इस तरह का सीन है और फिर हॉस्पिटल तक जाना भी और ये था कि उधर गए फिर मिनट अच्छा हॉस्पिटल गए तो वो ना वो जो एक कपड़ा सा होता है उसमें लपेटा हुआ था एक सेकेंड रुकना एक सेकेंड तो ये सीन था एक यार ये हाँ वो ना उसमें लपेटा हुआ तो फिर हम लोगों ने कॉल की एम्बुलेंस को वो सारा जो था ना निजाम वो आर्मी वाली देख रहे थे ना अबू की जो एंटाइटलमेंट है वो आर्मी के साथ है तो वो जो सारा निज़ाम था वो आर्मी वाली देख रहे थे खैर आर्मी और एम्बुलेंस भेजी लेकर आए घर में पहले से इधर इतला हो चुकी थी काफ़ी लोग जमा थे तो खैर वो दिन गुजरते गए मेरी नानों बड़ी अटैच थी ना मेरे फादर के साथ नानों की काफ़ी अटैचमेंट थी फादर के साथ मेरे तो नानों भी यही कहती थी कि ना मेरी मम्मी को कहती थी कि यार मतलब मुझे ना इतना दुख अपनी लाइफ में नहीं हुआ जितना इस तरह डेथ पे हुआ तो कहीं ना कि अच्छा मेरी नानों बिल्कुल ठीक ठाक थी मतलब कोई इशू नहीं था ना बिल्कुल ठीक थी वो हालांकि इतनी ज़्यादा एज में ना आपको पता है कि जो ओल्ड एज हो जाते हैं वो अपने पाँव पे इतना नहीं चल सकते सोचना के मसला था लेकिन मेरे नानो तकरीबन तीस पैंतीस दिन हमारे घर ही रही हैं तीस एक दिन मेरे ख्याल से बीस में कभी चली जाए वापस अपने घर मामुओं के पास नहीं तो फिर वापस आ जाती जा थी इधर ही इधर ही रह रही थी मेरी अम्मी के पास अच्छा तो फिर अब जो फादर को जो घुसल था वो मैं, मैं उधर ही था मैंने खुद ही दिया था अपने हाथों से ही ना मतलब सारा तो नहीं खुद दिया मैंने बट मैं खुद ही अंदर में ही था तो सर वर धोना और बाजू पे वो, वो, वो सारे करना वो मैंने खुद ही किया मुझे भी, भी याद है हालांकि मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं इतना करूं, बट फिर भी आई ट्राइड कि यार मैं खुद ही वो करूं अपने फ़ादर को तो गसल गसल वगैरह भी मैंने खुद ही थोड़ा बहुत दिया फिर जनाजा अबू का था तकरीबन छः छः बजे छः सवा सवा छः बजे मगरबीन वाज के बाद तो अब असल में मैं आपको बताऊं मुझे लाइफ जो है ना इस तरह एकदम चेंज नहीं होती हुई कभी दिखी ना आपको पता है गेम से बंदा खेलता रहता है वही जैसे एज यूजल रूटीन होती है उसी तरह की रूटीन होती है खैर जो पहला पहली रात थी वो थोड़ी थोड़ी क्या मतलब बहुत बहुत ही मुश्किल थी वो तकरीबन मैं पाँच घंटे सोया था तकरीबन रात को एक बजे मैं सोया था सुबह छः बजे में उठा था पहली रात को और पाँच घंटे में, में मेरी छः दफ़ा आँख खुली थी मतलब पाँच घंटे में टोटल टो 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 सोया था उसमें मेरी छः दफ़ा जो है ना आँख खुली थी अब आप लोग खुद इमेजिन कर सकते हैं कि वो उसने की वो नींद कैसी होगी तो वक्त गुजरता गया उसके साथ साथ ख़ुद को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते रहे कि यार नहीं सीसीटीवी मेरे लैपटॉप में पड़ी हुई है और सारी पिक्चर्स वगैरह भी लैपटॉप में पड़ी है वो नहीं दिखा सकते अभी केस वगैरह चल रहा है उस पर ना जिसने ड्राइवर ने हिट की थी गाड़ी तो वो ज़रा इंसिडेंट वो और तरह का है और उसके बारे में बाद में बात करेंगे खैर वक्त गुजरता गया थोड़ी सी चीज़ पुरानी होती गई लेकिन यह है कि ना मेरे फादर को सूर्य मुल्क मेरे फादर रोज़ाना पढ़ते थे ना मेरी यही कोशिश होती उस टाइम से यही कोशिश थी मेरी कि मैं कम अज़ कम रोज़ाना उनकी कब्र पर जाकर सूर मुल्क पढ़ूँ अभी तक मैं वही रोज़ जाता हूँ अच्छा फिर मेरी नानों का इंसिडेंट जो आ जाता है ना वो है अब तकरीबन डेथ को मेरी नानों की डेथ अभी हुई है तकरीबन कितने आठ दस दिन हुए रमजान से पहले तो नानों की डेथ का ये सीन था कि उन्होंने बड़ा गम किया मेरे फादर का क्योंकि बड़ी अटैचमेंट थी उनसे और मेरे अबू का मेरे अबू का मैं आपको बताऊं कि लाइफ में ना बस यही था कि बस नमाज़ पढ़नी तहजद पढ़नी कुरान पाक पढ़ना बस की उनके पास वो बटनों वाला फ़ोन होता ना वो भी नहीं था हालांकि मैंने बड़ी दफ़ा बोला उनको मैंने कहा कि फ़ोन रखें पास कॉल वाल के लिए काम आता है बट ना फ़ोन और क्या सीन है दूसरा हाँ टीवी भी कभी नहीं देखा उन्होंने टीवी का भी उनको नहीं पता कभी हम लोग टी देख रहे हो बैठे ना तो यूँ बस बैठ के देख रहे होते थे मतलब क्या हो रहा है उनको आइडिया नहीं था ना टी वी का और ये फेसबुक उनको पता ही नहीं था ये चीज़ें भी होती हैं नेट इंटरनेट भी कोई चीज़ है बस जॉब नमाज तो कुरान पाक बस ये तीन चार चीज़ें उनकी लाइफ में थी जिस बंदे के पास फ़ोन ही ना हो उसको दुनिया का क्या पता होगा हर ये इंसिडेंट था अच्छा फिर उस रात को नाना भी हमारे घर आई थी ना नाना हमारे घर आई थी मामों के साथ बिल्कुल ठीक ठाक थी नानो भी आप यकीन करें नानो भी मेरे मेरे मेरी सगी नानो मेरी अम्मी अम्मी जो सगी अम्मी तो वैसे दूर के दूर की कोई औरत फो कहते नानो फोत होगी सारी सगी नानो मेरी वो हमारे घर आए हुए थे रात को वो गई हैं तकरीबन नौ बजे अपने पैरों पे गई हैं खुद बिल्कुल ठीक ठाक ठीक है खुद गए हैं वो लोग सुबह पाँच बजे मेरे मामू की कॉल आ रही मैंने कॉल उठाई है पता नहीं क्यों मुझे इस तरह फील हुआ मैंने कहा कि नानों के साथ कुछ हुआ है <coughs> क्योंकि रात को भी ना नानों को मतलब ना, ना वो डकार से आ रहे थे उनकी वमिट <coughs> वमिटिंग टाइप हो रही थी सुबह पाँच बजे मामू की फ़ोन आई है नाना भी फोत हो गई हैं अब ज्यादा मसला मेरी अम्मी के लिए था क्योंकि पहले उनका हस्बैंड मतलब मेरे फादर फोत हुए फिर उनकी अम्मी फोत होगी चालीस दिन के अंदर अंदर चालीस दिन बाद तो ऑबियसली यार इतना इतना बड़ा इतना बड़ा इंसिडेंट उससे भी हम लोग ठीक तरह निकले नहीं थे कि दूसरा इंसिडेंट तो बस इसीलिए फिर ना स्ट्रीम करने की होश और ना उसकी होश फिर ऑनलाइन वो आप लोगों में से कोई मेरे ग्रुप में ऐड भी होंगे ऑनलाइन वो इन्वेस्टमेंट वाला काम स्टार्ट किया यार इस तरह सीन हुआ था सारा कि बस गए थे वो जॉब के लिए काम के लिए और एक्सीडेंट हो गया बस उसके बाद उनको होश नहीं आया और इसी तरह नानो से भी लास्ट मुलाकात की हमारे साथ बैठ के बिरयानी खाई उन्होंने रात को नौ बजे वो घर गई और सुबह चार बजे उनकी उनको उनकी डेथ होगी तो यार ये जो लाइफ है ना ये बड़ी अनप्रडिक्टिबल सी है मैंने खुद ये सारी चीज़ें फ़ेस की हुई हैं ना तो मुझे मुझे पता है जब पहले किसी की डेथ देखो ना तो वैसे बंदा कहता है यार बड़ा अफसोस हुआ है बड़ा अफसोस हुआ लेकिन मैंने ये जब चीज़ें खुद फेस की हैं ना तब भी पता चलता है कि यार जिस बंदे पे गुजरती है ना उसी को ही फील होता है अभी मेरी स्ट्रीम पे पहले भी ना मेरे फादर के डेथ से पहले भी काफ़ी लोग कमेंट करते थे कि यार मेरी इस मतलब डेथ मेरे फादर की हुई है या चल बंदा अफसोस कर देता है लेकिन वो जो दुख है ना वो वो बंदा कभी फील नहीं कर सकता कोई दूसरा बंदा ना जिस बंदे पे वो चीज़ गुजरती है ना वही चीज़ वो वही वही बंदा फील कर सकता है खैर मैंने पोस्ट लगा दी कि मैं यूट्यूब वगैरह छोड़ रहा हूँ ऑब्वियसली यार नहीं फादर की भी डेथ हो गई और अभी घर में मेरी तो चलो स्टडीज़ कम्प्लीट हो गई छोटे बहन भी वगैरह हजार मसले होते हैं लेकिन अलमदुल्ला वो फिर इन्वेस्टमेंट वाला काम स्टार्ट किया तो अल्लाह ने बड़ा उसमें वो किया क्या कहते हैं बड़ी कामयाबी दी उसमें एक डेढ़ महीने में अलहमदिल्ला इतना तो मैंने तीन साल यूट्यूब से नहीं अर्निंग की अलहमद्ला जितनी मैंने डेढ़ महीने में उधर से की किए जावाई से तो बस एक दरवाज़ा अगर, अगर अल्लाह बंद करता है तो उसे बाज़ार खोल देता है और आ, कहते हैं कि बस जो नेक बंदे होते हैं उनको अल्लाह अपने पास पहले ही बुला लेता है अल्लाह सबरज आमीन आमीन वेलकम मिस सैनी ज़ैरफ सब भाइयों का वेलकम तो ये सीन है अब असल में ज़्यादा इशू ना मेरी वालदा का है मेरी अम्मी का ना पहले अबू की डेथ हुई फिर उनकी अम्मी की डेथ होगी तो बस ये चीज़ें तो हैं वक्त के साथ चलती रहती हैं क्या ही कर सकता है बंदा तो ये तो आप लोग कह रहे हैं कि बस भाई आप स्ट्रीम नहीं कर रहे आप स्ट्रीम नहीं कर रहे आप स्ट्रीम नहीं कर रहे तो कहते हैं होश ही नहीं है ना मैंने अब आप लोग अपना करियर रिजल्ट दिखाया है ना ये देखे ये गेम मैंने कल खेली है एक गेम ठीक है ये मैंने खेली है चौबीस तारीख को एक ठीक है इसके बाद ये मैंने खेली है बारह तारीख को बस एक्सीडेंट के बाद मैंने सिर्फ ये तीन चार गेमें खेली हैं कल मैंने दो तीन वो जो नया मोड आया खेडा ये बहु मड़ाओ जो भी मोड है ये वाला ये मैंने खेलता रहा हूँ बैठ बाकी और यार हजार कम और उसके अलावा जॉब के सिलसिले में जहाँ मेरे फादर जॉब करते थे वहाँ पे सारा अप्लाई शेयर किया है जॉब के लिए उधर भी मतलब यही है थिंकिंग कि उधर ही जॉब करें क्योंकि फादर की जो थी ना मेरी तो क्वालिफिकेशन मेरी तो वो है बैचलर्स है ना तो उधर भी अलहमदिल्ला अभी अभी तो कंफर्म नहीं हुई जॉब लेकिन नाइन्टी परसेंट होगी है अच्छी पोस्ट फिर वो स्टार्ट हो जाएगी तो फिर आप लोगों को पता है कि बस लाइफ नेना ना जो है अभी बड़ा शार्प टर्न नहीं है क्योंकि जो मेरा प्लान था ना अभी फादर की जो सर्विस रहती थी वो तीन एक साल की रहती थी मैंने कहा था तीन एक साल मैं यूट्यूब करूँगा आराम सकून से उसके बाद कोई देखेंगे जॉब वगैरह का लेकिन बस वो वक्त से पहले ही अब करना पड़ेगा लेकिन खैर है यार ये ज़िंदगी है इसमें चीज़ें चलती रहती हैं साथ साथ बाकी बीच में वो जो यूसी उसी पब्जी उन्होंने दिए थे वो पॉपुलैरिटी शायद मेरे सेल्फ वेल कर दी बीच में तो अब बस यही है कि ना अच्छा हमारे फैमिली में माशाल्लाह ये भी अच्छी बात है ना कि हमारी जॉइंट फैमिली है जॉब मेरे ख्याल में सीनियर सुपरवाइज़र की है वो बता नहीं सकते अलाउड नहीं है ये चीज़ किस किस जगह पे जॉब है ये अलाउड नहीं है क्योंकि थोड़ा सीक्रेट है वो कंट्री का ना वो अलाउड नहीं है मेरे कज़न ने मुझे मना किया था कि इसके बारे में ज़िक्र मत करना है कि कहाँ पे तेरी जॉब लग रही है क्योंकि फादर जिस जगह पे जॉब करते थे ना तो वो इस तरह मतलब पब्लिकली बता नहीं सकते लेकिन सीनियर सुपरवाइज़र की है आता काम टकेगा नहीं है सुपरवाइज़र की जॉब है <laughs> लेकिन चलो सीख जाएंगे ऐसा ऐसा यार बंदा सारे काम सीख ही जाते हैं आमीन आमीन मैंगो बस तो यार ये इंसिडेंट्स हुए थे मेरे साथ कुछ पिछले कुछ टाइम में मैं बीच में स्ट्रीम कर सकता था मैंने बीच में एक दो दफा हिम्मत की थी मैंने कहा था स्ट्रीम शिम करते हैं लेकिन यार बस दिल नहीं करता था मेरा बीच में खुद सुस्ती थी, थी भी 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 बस पूरा दिन वो जवाई में लगे रहते थे ये सीन है रैंक नहीं यार अभी रैंक शेंक नहीं वैसे ही थोड़ा शुगल मेला लगा लिया करेंगे यार कभी कभी वो भी बट अभी वो जो बारह बारह घंटे गेम खेलते थे उस तरह का वाला सीन तो नहीं हो सकता ना अब जहरी बात और भी हजार अच्छा अब हमारा घर में सीन है हमारी जॉइंट फैमिली सिस्टम है ना मतलब चार फैमिलीज हमारी इकट्ठी रहती हैं बंदा अकेला ख़ुद को फील नहीं करता कभी बंदा परेशान हो रहा हो तो ताया के घर चला जाए चाचू के घर चला जाए कज़नों के पास बैठ जाए तो ये इस चीज़ ने बड़ा समय सपोर्ट किया है इस इंसिडेंट्स को ना थोड़ा सा ओवरकम करने के लिए नहीं तो अगर बंदा डिप्रेशन में चला जाए तो पूरी जिंदगी दिन, डिप्रेशन से बंदा बाहर ही नहीं आ सकता आप लोगों को पता होगा इस चीज़ का यार वो ऑनलाइन अर्निंग वाला प्लेटफॉर्म है आइए सही में जाएगा बासी नहीं ना नहीं है लेकिन वो अलाउड नहीं है बस उसके बारे में बात करना ये मैंने पोस्ट आपको अपनी बता दिया कि इस पोस्ट पे हो रहा है मेरा और मेरी एक दोस्त है अभी स्ट्रीम पे बैठी हुई है उसको पता है बस मैंने वो उसको एक दफ़ा बताया था शायद बाकी मैंने किसी को नहीं बताया जॉब का तो अभी जॉब वगैरह स्टार्ट हो गई आई थिंक ईद के बाद ही अच्छा मज़े की बात वो फेसबुक वगैरह वो डिलीट करवा देते हैं अलाउड नहीं है फेसबुक भी रखनी जो बना बनाते चॉप करते हैं वह भी वो है तो खैर देखते हैं उस उसका भी क्या है हिसाब किताब है फ़िलहाल तो मेरा यही था कि मैं गेम शेम ही कंटिन्यू करूं लेकिन <laughs> मजबूरन मुझे छोड़नी पड़ी गेम लेट्स <laughs> सी अभी आने वाले टाइम में क्या होता है शायद दोबारा स्टार्ट कर दें गेम मुझे जितने लोगों ने मैसेजेस किए हैं ना यकीन करें मुझे जितने लोगों ने मैसेज किए हैं ना इंस्टा पे भी और यहाँ यूट्यूब पे भी जितने लोगों ने कमेंट्स आए कि यार जॉब ना छोड़ें सॉरी गेम ना छोड़ें गेम ना छोड़ें गेम ना छोड़ें लेकिन आप यकीन करें टाइम नहीं था मेरे पास एक 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 सेकेंड का भी मेरे पास टाइम नहीं था इतने काम थे कभी किधर जाना पड़ रहा है वो एप्लीकेशन के लिए कभी कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने पड़ रहे हैं कभी इस्लाम जाना पड़ रहा है डोमिसाइल के लिए कभी किस चीज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा मैं फंसा हुआ था इन चीज़ों में अभी भी अभी कल परसों कल ही मुझे कॉल आई आपके दो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं वो अभी कल जमा कराए हैं आगे तो बस यही होता है जिस दिन घर में रहो तो बस उस दिन फिर आपको पता है बंदा जब बिस्तर में लेटा हो फिर दिल ही नहीं करता और जिसने दो महीने से गेम ही ना खेली हो उसको फिर कहाँ कोई काम करने का दिल करेगा वही बात है दो महीने से गेम ही नहीं खेली तो अब जो है वही वो बिल्कुल नकारा हो चुके हैं अब मैंने कल एक घंटा एक घंटा भी पूरी नहीं गेम खेली ना मैंने दो तीन वो खेले जो नया मोड आया मैं तीन गेमें खेलिया मैं थक गया मैंने कहा यार बस <laughs> बस भाई ये गेम अब मेरे पास की नहीं है तो अभी तेरी बैठ गए इसी इसी बेड पे बैठ गए इसी कुर्सियों में बैठ गए बारह बारह चौदह चौदह घंटे भी हम मैंने गेमें खेली हैं रैंक पुश किया है अभी हमें वो टाइम याद है Uh, कौन सा प्लेटफॉर्म है अर्निंग का यार वो इंस्टाग्राम पे आप लोग आ जाएं मैं इंस्टाग्राम पे बड़ा आजकल वो स्टोरियाँ वगैरह लगा रहा था आप लोगों ने देखा होगा ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स ही प्रमोशंस कर रहे हैं ना कोई वेबसाइट है लेकिन ये जवाई है जावाई के नाम से है तो इस पर बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है क्या श, श तुम श, क्यों कह रही हो टी डी एम लगाओ टी डी एम लगाओ मुझे टी डी एम की आवाज़ नहीं आएगी अल्लाह आपको हर हाल में खुश रखे वासिश भाई व्हाट्सएप अच्छा पे मैसेज किए थे ना बहुत बिजी थे इमरान भाई दोबारा मैसेज कर दें यार मुझे कसम से देखें नहीं यार टीडीएम मैं लगा लूंगा लेकिन मुझे वो नहीं आएगी आवाज़ नहीं आएगी गेम की मैं गेम साउंड के बगैर खेलूंगा हाँ मैं, मैं गेम साउंड के बगैर खेलूँगा आप लोग देखें बस गेम <laughs> ले दे कैसी गेम होती है <laughs>

कुछ नहीं थोड़ा सा खेलूंगा मैं बीस किल तक खेलूंगा बस फिर डेम में बंद कर दूंगा शॉट गेम तो <गाँगे> आज भी बैठी है नहीं नहीं मैंने असल में कल खेली थी थोड़ी सी बस साउंड नहीं आ रहा ना नहीं नहीं वो असल में ना पीछे एक सॉफ्टवेयर है अलगाटो का उससे साउंड आता है वो सॉफ्टवेयर मेरा बंद है अगर वो मैं ऑन करूँ उसकी नई सेटिंग आ गई है ना ये इन्होंने नई अपडेट डाली है वो वो तरफ बहुत आता नहीं वो खौफ ने किया था उसमें वो मैं से पूछूंगा कि क्यों ये कुत्ते की तरह भाग रहा है सेम तो मेरी ठीक ही है अभी यार वो कहते हैं सिर्फ एक दिन मैंने खेलना है यकीन करो मैंने एक दिन प्रैक्टिस किया अबे मेरा बंदा किल ले लिया तूने चूड़े। फादर मी

गेम में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा हाँ जरी बात है थोड़ी सी ख़राब तो होती है लेकिन कुछ अरसा प्रैक्टिस करूँगा ठीक हो जाऊँ चलो यार बोई बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने का और ए, मेरी स्टोरी सुनने का क्योंकि मैंने मेरे जहन में पहले से भी था कि यार मैं यूट्यूब पे आके ना स्टोरी सुनूंगा ऐसे इमरान भी इसकी ज़रूरत तो नहीं थी आपने जो सुपर चैट की है अच्छा बीच में, में मेरे साथ एक और इंसिडेंट हो गया था ना मेरे चैनल पर ग्यारह स्ट्राइकें आ गई थी उनकी यूट्यूब वालों की मैं आप लोगों को दिखाऊँगा अभी यार मिनट Uh, मैंने कहाँ पे पोस्ट की थी वो uh, किधर की थी मैंने डिस्कॉर्ड पे की थी मैंने शायद पता नहीं यार किधर दफा करो यूसी मैंने अब सेल कर दी थी यार यूसी को चार डालता मैं पैसे वैसे थोड़े से आ गए मेरे पास साठ हज़ार मेरे पास यूसी थी सारी बेच सेल कर दी थी मैंने यूसी भी कितने हफ्ते पहले आई थी भाई जनवरी में आई थी फरवरी मार्च अभी मार्च एंड होने को है टू वालों को जानते हो यार जानी अब मैं किसी को भी नहीं जानता मैं सबको भूल चुका हूं अब मैं गेम से आउट हूं लेकिन जिस दिन इंशाल्लाह गेम में कम बैक करेंगे उस दिन बिट रेट खराब बिट रेट मैंने खुद कम किया हुआ है क्योंकि नेट का जो है ना वो मौत है नेट को बड़ी तगड़ी वाली खैर बोई तभी के लिए चलते हैं मिलते हैं कल फिर इनशाला से आप लोग में याद रखिएगा अपना डेढ़ सारा ख्याल रखिएगा ठीक है हाँ हाँ ब्रो बिट रेट कम है यार इनशाला इनशाला अभी थोड़ी सी स्ट्रीम की है हम लोगों ने ए... नहीं यार क्या फायदा है एम फॉर मैक्स करने का जावाई के बारे में बोलो यार मैं अब के बारे में मैं भी ना इस स्ट्रीम के बाद या कल मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर दू अपने यूट्यूब पे आप लोगों में से जो 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 भाई भी अर्निंग करना चाहता हो ना वो ग्रुप ज्वाइन कर ले तो उधर बात कर लेंगे मेरे ग्रुप में कुछ छः सौ बंदा है मैं जब से हुआ है ना फादर की जब डेथ हुई थी उसके दस दिन के बाद मैंने काम स्टार्ट कर दिया था अभी अलहमद ठीक जा रहा है तो इन कल परसों या फिर किसी दिन ना हाँ टिकट्स नहीं न टिकट्स में भी है टाइम है उम्र अभी कितने बजे टिकट दस बजे होते हैं अभी क्या नौ हुए शायद पता नहीं क्या टाइम हुआ है तो अच्छा लगा आप लोगों से बात करके बहुत बहुत शुक्रिया सब भाइयों का यार काफ़ी वो कहते हैं ना कि वो पुरानी पुरानी यादों में काफ़ी खो गए गे, आज गेम खेल के बड़ा अच्छा फील हुआ यार इस चैट चल रही होती है यूँ चैट पढ़ रहे होते हैं यूँ गेम खेल रहे होते हैं ना यू, यू 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 मैं गेम खेल रहा तो हूँ यू करके ना यूँ वैसे करके साथ यूँ आँख उठा के चैट पढ़ता हूँ फिर मैं गेम फिर यूँ आँख उठाकर चैट पढ़ता हूँ तो ये यहाँ पीछे यहाँ पीछे वॉल पे मैंने सारे वो बासित गेमिंग के टी पी एच बासित के मैंने सारे पीछे लगाए हुए थे मेरे पास अभी भी पड़े हुए वो मेरा किधर गया बासित गेम वो अंदर मेरा पड़ा हुआ है वो जो मुझे क्लैरिटी वालों ने दिया था वो भी अभी तक मैंने संभाल के रखा हुआ है क्लैरिटी वालों की शर्ट थी पबजी की ये पीछे बासित लिखा हुआ था वो भी मैंने संभाल के रखी हुई है नाइडो वाइटी अबू की डेथ हो गई थी यार तो जा रहे हो क्या हाँ जी अभी जा रहे हैं लेकिन इनशाला कुछ दिन बाद फिर से स्ट्रीम करेंगे थोड़ी ना गेम शेम भी खेलेंगे <laughs> काफ़ी टाइम बाद आज स्ट्रीम किया मुझे मुझे कसम से मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है बहुत ज़्यादा ना एक रिलैक्स फील हो रहा है मुझे पता नहीं क्यों पता नहीं शायद मैं अभी चूसे में आ रहा हूँ लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है दो महीने बाद आज स्ट्रीम करके दो महीने दस दिन बाद हाँ ये तो है बंदा ना बात शेयर करे तो थोड़ा बंदा यू नो दिल का वो बोझ हल्का हो जाता है तो खैर मुझे काफ़ी अच्छा लगा यार आज स्ट्रीम करके सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया मिलते हैं फिर इनशाला किसी दिन तब तक के लिए यार दुआ में याद रखिएगा और अपना जो है सारे भाई वो ढेर सारा ख्याल रखिएगा तब तक के लिए चलते हैं फिर इंशाल्लाह यार फिर मिलेंगे ठीक है आज का दिन है मंडे ट्यूजडे ना सैटरडे संडे को फिर इनशाला स्ट्रीम करेंगे ठीक है बॉइज़ सैटरडे सैटरडे संडे को फिर इंशाल्लाह स्ट्रीम करेंगे हम लोग फिर हम तो थोड़ी गेम भी खेलेंगे शुगर भी लगाएंगे इसी तरह इस टाइम से लेकर सुबह सैरी तक तीन चार घंटे की वैसे गपशप लगा लिया करें आप लोगों के साथ सैटरडे संडे को पक्का स्ट्रीम करेंगे दोबारा ठीक है क्योंकि मुझे काफी अच्छा लगा स्ट्रीम करके आप लोगों से गपशप मारी है ना अच्छा लगा मुझे तो बस बाकी सारे लोग दुआ में याद रखें यार मुझे और भाई गह दुआ किया करें यार कि आगे वाली लाइफ अल्लाह आसान करे और अल्लाह हर मुश्किल से बचाए आप लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया यार आप लोगों ने आए सपोर्ट किया आज भी आज भी कितनी एक सौ बीस तीस की वॉचिंग गई है माशा यार मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग आएंगे मुझे लगा कि दस पंद्रह बीस तक होगी लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया यार लव यू सब भाइयों को एंड अगेन अल्लाह हाफ़ बाय बाय अब बन